Hello everyone. Today we will be talking about an important chapter that is mineral nutrition. देखिए plants में minerals का उतना ही important role है जितना human being and animals में है. And 105 elements में से 60 element ऐसे found हुए हैं जो plants की growth के लिए important है. और उनमें भी एक 17 ऐसे elements हैं. They are categorized into essential element because plants cannot complete their life cycle without these element. कितने नंबर हैं ये 17 एलिमेंट्स हैं ये. They are needed for growth and reproduction. वो प्लांट के किसी भी फेज में वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, या तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ में, या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में, या फिर रिप्रोडक्शन के टाइम पर. They are specific in nature, specific इस तरह से. For example, manganese. During photosynthesis, water split into HAN. और ये किसके प्रेजेंस में होता है? ये फोटोलाइसिस मैग्नीज की प्रेजेंस में. तो यहाँ पर मैग्नीज का इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि मैग्नीज क्या है इसमें, जो वाटर की स्प्लिटिंग में हेल्पफुल है. तो ये क्या हो गया, ये कोई अदर एलिमेंट नहीं कर रहा है, तो मैग्नीज का रोल हो गया. दे आर इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिक प्रोसेस. ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, चाहे वो मैक्रो अमाउंट में है या माइक्रो अमाउंट में है, बट वो किस में इन्वॉल्व होंगे, प्लांट के मेटाबॉलिक प्रोसेस में. अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, यानी ये अमाउंट में कम है, जितना जो अमाउंट चाहिए उससे अगर इनका अमाउंट कम है, तो उसमें डेफिशिएंसी से सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड होंगे. एंड स्पेसिफिक सिम्टम्स आर ऑब्जर्व्ड. दे आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स एंड माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स. मैक्रो मीन्स कि जो ये कंपैरेटिवली लार्ज अमाउंट में रिक्वायर होंगे, इनका नंबर है 9. एंड 8 एलिमेंट्स आर माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स. कौन कौन से हैं मैक्रो एसेंशियल? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम. ये एलिमेंट्स क्या हैं? मैक्रो हैं. और जो ट्रेस अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, दे आर कॉल्ड एज माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स. उनमें हैं आयरन, बोरोन, मैग्नीज, जिंक, कैल्शियम, क्लोरीन, निकल एंड मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम. ये क्या है? मोलिब्डेनम. तो ये एलिमेंट माइक्रो, 9+8. अब इनमें से आयरन एंड बोरोन जो है, आयरन एंड बोरोन, दे आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट एलिमेंट्स. इनका जो रोल है वो मैक्रो एंड माइक्रो के बिटवीन है. सो आयरन एंड बोरोन आर कॉल्ड इंटरमीडिएट एलिमेंट्स. इज क्लियर? तो यहाँ पर हम इन एलिमेंट्स के डेफिशिएंसी से होने वाले सिम्टम्स स्टडी करेंगे, साथ साथ कि इनका क्या फंक्शन है. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. इन तीनों को हम साथ में पढ़ेंगे. ये एक ऐसे एलिमेंट है जिनकी डेफिशिएंसी नहीं होती है. ठीक है, डेफिशिएंसी नहीं होती है. वो कैसे देखते हैं हम. फर्स्ट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सी स्टूडेंट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दे डू नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मिनरल एलिमेंट्स. ठीक है, ये मिनरल्स में नहीं आते हैं इस कैटेगरी में. बट इनको किस में रखा है? एसेंशियल एलिमेंट्स में इसलिए रखा है बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स. अगर हम कार्बन की बात करें, तो कार्बन जो होता है वो प्लांट्स में किस तरह से इम्पोर्टेंट है? फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, यानी इन द फॉर्म ऑफ CO2. प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं CO2. तो CO2 में ये क्या आ रहा है यहाँ पे? कार्बन. फर्स्ट इज कार्बन. सेकंड इज हाइड्रोजन. देखिए हाइड्रोजन जो है H2O फॉर्म में इम्पोर्टेंट है प्लांट्स के लिए. एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन CO2 में भी आ रहा है या फिर ऑक्सीजन. ठीक है, O एलिमेंट. ये प्लांट्स में क्या है कि प्लांट्स में ये एक मिनरल कैटेगरी में नहीं है, बट प्लांट्स कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट देम. सो दे आर कॉल्ड एज एसेंशियल एलिमेंट्स. और इनकी डेफिशिएंसी भी नहीं होती है. क्यों? क्योंकि प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है वो इनके एलिमेंट से होता है. तो कोई सिप्टोमेटिक, हम ये कहेंगे, जो सिम्टम्स है वो ऑब्जर्व नहीं होते हैं.
तो फोर्थ इज नाइट्रोजन. इन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद में जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है दैट इज नाइट्रोजन. मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है ये, हाईएस्ट अमाउंट होता है इसका प्लांट में. और प्लांट्स जो है हमें ये पता है कि प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब फ्री नाइट्रोजन, कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है. तो हमें लगता है कि प्लांट्स में तो इसकी डेफिशिएंसी कभी नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो फ्री नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. तो प्लांट्स कैसे, कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स ये सॉइल से ऑब्टेन करता है नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड. नाइट्रोजनस कंपाउंड मीन्स या तो नाइट्रेट फॉर्म में, या नाइट्राइट में, या फिर अमोनियम में. तो ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड में जो हाईएस्ट अमाउंट में एब्जॉर्ब होता है वो है नाइट्रेट, उसके बाद में नाइट्राइट, एंड जो लीस्ट अमाउंट होता है वो होता है अमोनियम. ये प्लांट में किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं? ये प्लांट की जितने भी लिविंग सेल्स है ऑल लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. और इसका अगर हम हाईएस्ट अमाउंट देखें, मैक्सिमम अमाउंट होता है जो बर्ड्स डेवलप हो रही हैं या जो टिश्यू डेवलप हो रही है, यानी मेरिस्टेमेटिक पार्ट में, टिश्यूज़ में, बर्ड्स में एंड ऑल लिविंग सेल्स में. नाइट्रोजन जो है वो किसका पार्ट है? देखिए अमाइनो एसिड जो होते हैं, अमाइनो एसिड में जो अमाइनो ग्रुप है नाइट्रोजन इसका पार्ट है. तो नाइट्रोजन इज़ पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड. प्रोटीन, अमाइनो एसिड की चेन क्या होती है उसको प्रोटीन कहते हैं, उसका भी पार्ट है. न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में जो नाइट्रोजन बेस होता है यानी डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजन बेस है, प्यूरिन पिरिमिडिन, उसमें भी इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है. एंड विटामिन्स में, विटामिन्स में भी निकोटिनम आयोडीडिन डाई, ऐसे कई विटामिन है जिनका ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट है. एंड एज वेल एज हारमोन्स. तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन इज़ पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हारमोन्स. देखिए हारमोन्स को हम ये मान सकते हैं कि कुछ हारमोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन है. प्रोटीन किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड से. और अमाइनो एसिड में, अमाइनो ग्रुप में क्या प्रेजेंट है? तो नाइट्रोजन. तो आपको ये थ्री तो पहले याद हो जाएंगे, अमाइनो एसिड, प्रोटीन एंड हारमोन्स, और न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन बेस एंड विटामिन्स. तो ये तो था नाइट्रोजन का थोड़ा इंट्रोडक्शन. अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो प्लांट जो है वो किससे कंप्लीट कर सकता है डेफिशिएंसी? यूरिया. यूरिया क्या है? एक मेन कंपोनेंट इसमें नाइट्रोजन होता है यूरिया में. तो यूरिया का स्प्रे करने से ये डेफिशिएंसी फुलफिल हो सकती है, इसे ट्रीट कर सकते हैं. सिम्टम्स क्या ऑब्जर्व होंगे? फर्स्ट एंड मेन सिम्टम इज क्लोरोसिस. क्लोरोसिस मीन्स लॉस ऑफ ग्रीन कलर, कि अगर लीव्स में से ग्रीन कलर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और उसकी क्या हो जाए, येलो हो जाए. लीव्स कैसी हो जाए? येलो. इट मीन्स उसका क्या हो रहा है? क्लोरोसिस हो रहा है. ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरोसिल, लॉस ऑफ ग्रीन कलर, दैट इज कॉल्ड क्लोरोसिस. यहाँ पर फर्स्ट तो आपको यही लिखना है, क्लोरोसिस. अगर क्लोरोसिस होगा प्लांट में तो उसके प्लेस पर एक पिगमेंट बनने लग जाता है, दैट इज एंथोसाइनिन. इट इज पिंक कलर्ड पिगमेंट. ये पिंक कलर का पिगमेंट अगर बनने लग गया तो प्लांट में जो लीव्स हैं दे बिकम पिंक कलर, लीव्स बिकम पिंक कलर. अब इतने सारे ये जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो नाइट्रोजन जब उसकी डेफिशिएंसी होगी तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? इनहिबिट हो जाएगी. और प्लांट कैसे होगी? ड्वार्फ, यानी इसकी प्लांट ग्रोथ स्टंटेड एंड प्लांट ग्रोथ ड्वार्फ. क्लियर? तो ये तो था नाइट्रोजन. देखिए आपको जो सिम्टम है वो स्पेसिफिक लर्न करने हैं, और हर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम 1 or 2, 3, 4 से ज़्यादा लर्न नहीं करने, अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज कि किस एलिमेंट का क्या वर्क है और कौन से सिम्टम ऑब्जर्व होते हैं. तो यहाँ पर हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिनका कोई डेफिशिएंसी सिम्टम नहीं है, इनकी डेफिशिएंसी नहीं होती है, दे आर नॉट फॉल इन मिनरल कैटेगरी बट दे आर एसेंशियल एलिमेंट्स. फोर्थ इज मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. अब पढ़ेंगे हम फॉस्फोरस. देखिए आपको ये 4-6 एलिमेंट कंटिन्यूसली याद होने चाहिए, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. सबसे पहले तो इन्हें लिख देंगे याद बन करके, फिर आप लिखोगे नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, पोटेशियम, एन पी के, सी एच ओ. 3-3 की ग्रुप में आप याद करेंगे तो आपको ये 9 एलिमेंट्स याद हो जाएंगे.
CHO, NPK, and then magnesium, sulfur, potassium. पोटेशियम भी हो गया, कैल्शियम. क्लियर? तो इस तरह से हम ये मैक्रो एलिमेंट्स पढ़ेंगे. तो अब है नाइट्रोजन के बाद में फॉस्फोरस. फॉस्फोरस प्लांट्स में जो फॉस्फोरस का अब्सॉर्प्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? रूट्स के थ्रू, यानी सॉइल से रूट्स के थ्रू प्लांट्स में ये ट्रांसपोर्ट होता है. इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी वाटर में ये सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और वाटर के साथ में इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है रूट्स के थ्रू. दे आर ट्रांसपोर्टेड इन इनऑर्गेनिक फॉर्म बट दे आर फाउंड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड. प्लांट्स में अगर हम देखें कि फॉस्फोरस किस कहाँ पर हैं, तो दे आर फाउंड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड बट इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है? आयन फॉर्म में, इनऑर्गेनिक फॉर्म में. एग्जांपल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? फॉस्फोलिपिड. देखिए, फॉस्फोलिपिड क्या है? प्लांट की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, दे आर मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. तो लिपिड जो है उसमें वो क्या अटैच होता है? लिपिड, जो आपने ये पढ़ी थी ये स्ट्रक्चर सिंगर निकोलसन में, बायलेयर होती है लिपिड की. और इस लिपिड की स्ट्रक्चर देखें हम तो हाइड्रोफोबिक पार्ट से क्या अटैच होता है? फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोरस. यानी इस लिपिड के साथ में अटैच होता है मेन कंपोनेंट फॉस्फोरस. सेकंड, न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? देखिए, शुगर, नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट. तो फॉस्फेट न्यूक्लिक एसिड का भी एक मेन कॉम्पोनेंट है. फॉस्फोरस किस फॉर्म में होता है न्यूक्लिक एसिड में? फॉस्फोरिक एसिड. तो यहाँ आप देख रहे हैं ये ऑर्गेनिक पार्ट है बट इनका ट्रांसपोर्टेशन इनऑर्गेनिक फॉर्म में हुआ. थर्ड इज कोएंजाइम. कोएंजाइम के एग्जांपल हैं जैसे NAD, आपने ये पढ़ा था जब हमने रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ा था, तो NAD और NADP का रोल देखा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इनका रोल होता है. फुल फॉर्म इज निकोटिन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड. निकोटिन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, तो इनमें फॉस्फेट प्रेजेंट है. देखिए, निकोटिन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एंड ATP. ATP भी क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. प्लांट में जो एनर्जी का फॉर्म है, हम कहेंगे कि जो सेल में एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. तो यहाँ पे भी देखिए फॉस्फेट आ रहा है. तो ये तो हो गए फॉस्फोरस कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में. और डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होंगे? कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कम होगी, रिड्यूस हो जाएगी. तो प्लांट कैसा लगेगा? स्टंटेड ग्रोथ हुई है इसमें, ड्वार्फ लगेगा. लीव्स का जो कलर है वो हो जाएगा डार्क ग्रीन. नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस हो रहा था, वहाँ पर येलो हो गई थी लीव्स, बट यहाँ कैसी हो रही है? डार्क ग्रीन हो रही है. ठीक है, लेकिन वहाँ पर और इनमें क्या सिमिलैरिटी है? नाइट्रोजन की एब्सेंस में भी एंथोसाइनिन पिगमेंट बन रहा था और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी में भी एंथोसाइनिन पिगमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है. वहाँ पे लीव्स में हो रहा था, यहाँ पे लीव्स प्लस स्टेम दोनों में हो रहा है. तो जब लीव्स और स्टेम में एंथोसाइनिन पिगमेंट फॉर्म होगा तो बोथ कैसी लगेंगी? पिंक कलर. मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, यानी ये जो सिम्टम है ये स्पेशली फॉस्फोरस का ही है. तो ये आप जरूर लिखना कि कैम्बियम एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है. व्हाट इज कैम्बियम? डाइकोट स्टेम होती हैं, डाइकोट रूट हैं, उनमें जाइलम और फ्लोएम के बिटवीन एक लेयर होती है जो इन्हें सेपरेट करती है, दैट इज कॉल्ड कैम्बियम. कैम्बियम की एक्टिविटी, यानी कैम्बियम अब क्या होगा? इट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करेगा अपने बोथ साइड, लेटरल साइड में. उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, जिससे क्या होता है कि प्लांट का जो स्टेम है वो वुडी होने लग जाता है. प्लांट की ग्रोथ होती है, थिकनेस में इंक्रीज करती है, थिकनेस ग्रोथ होती है. तो ये सब किससे पॉसिबल है? कैम्बियम से. और अगर फॉस्फोरस क्या होगा? फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है तो कैम्बियम एक्टिविटी रिड्यूस होगी और उससे क्या होगा? सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्मेशन नहीं होगा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, प्लांट वुडी नहीं होगा, जिसका जो स्टेम होना है उसकी थिकनेस में ग्रोथ नहीं होगी. इज इट क्लियर? तो आपको कौन कौन से सिम्टम याद रखने हैं? यहाँ पर एंथोसाइनिन पिगमेंट फॉर्म इन लीव्स एंड स्टेम, कैम्बियम एक्टिविटीज रिड्यूस एंड स्टंटेड ग्रोथ.
एक और आप याद रख सकते हैं नेक्रोसिस। देखिए जैसे क्लोरोसिस होता है, क्लोरोसिस मीन्स लॉस ऑफ ग्रीन कलर, एंड नेक्रोसिस मीन्स होता है लॉस ऑफ टिश्यू। कि अगर कोई भी टिश्यू है, फ्रूट है, लीव्स हैं, उनमें क्या हो जाए, उनके टिश्यू ब्रेक हो जाए, तो ब्रेक होके लीव्स में क्या हो जाती है, होल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, जगह जगह क्या हो जाएंगे होल्स, दैट इज कॉल्ड नेक्रोसिस। आप कोई भी लीव देखना अपने आसपास, तो उनमें होल्स होंगे, ठीक है, तो वो किस पार्ट से होते हैं, वो नेक्रोसिस उसे कहते हैं। उसका नेक्रोसिस कई एलिमेंट्स और पैथोजन की वजह से होता है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि सिर्फ इससे होगा, बट नेक्रोसिस उसे कहते हैं डैमेज ऑफ टिश्यू। जी क्लियर। तो ये था फॉस्फोरस के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अदर एलिमेंट्स के डेफिशिएंसी सिम्टम स्टडी करेंगे। थैंक यू।